के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या कुछ होने वाला है इसमें, क्योंकि हमने देखा नीचे जिस तरह का माहौल किया जा रहा है उससे लग रहा है कि एकदम धमाका होने वाला है। ये एक डांसर की तरफ से डांसर्स के लिए हॉल बनाया गया है और मुझे ऑलवेज चाहिए था कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पे आप आए, रिहर्सल करें, इन्जॉय करें। और हाई ऑन डांस इज ओनली फॉर डांसर्स एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे डांसर्स, बट एनी डांसर्स हु वांट्स टू कम हियर डांस रिहर्स और डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इज फॉर देम। सो मिनिस्ट्री ऑफ डांस मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे हाई ऑन डांस का बहुत पहले से वेट कर रहा था कि कुछ करें। अब ये शुरुआत है, उसके थ्रू बहुत कुछ होने वाला है। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, ना इसी के साथ अगर बात कर जाएगा हाई ऑन डांस की, तो किस तरीके से आपको थॉट आया कि इस तरीके का कुछ एक नया कुछ करते हैं? तो यूजली मेरा थॉट आया जब मैं लंदन में था और मैंने देखा कि वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही कमाल का है। वहाँ पे डांसर्स के लिए भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो जाके चिल कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जाके वहाँ पे रिहर्सल करें और प्रैक्टिस करें, वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। एज अ डांसिंग एक्चुअली जब एंजॉय करके डांस करते तो वो भी होता है। सो ये जो हाई ऑन डांस है वो दिन में ऑफकोर्स रिहर्सल हॉल का काम करता है और फ्राइडे सैटरडे ऑफकोर्स वो एक टर्न हो जाता है, वो अंडरग्राउंड क्लब बन जाता है। और उसी तरीके से मैंने उसकी जो इंटीरियर वैसा किया हुआ है, सो एक अंडरग्राउंड वाला फील दिया हुआ है, क्योंकि मैं लंदन में था तो मैंने अंडरग्राउंड कल्चर देखा वहाँ पे। सो दिस इज़ द आइडिया केम फ्रॉम देयर। सॉरी सर, काफ़ी डांस इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हैं मुंबई में, जी, इंडिया में। जी जी, हाई ऑन डांस में ऐसा क्या आपने डाला है जिसकी वजह से लोगों को उसकी तरफ मूव होना चाहिए? ये एक अच्छी बात पूछी आपने। ये एक मैं क्लियर कर दूं कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये यहाँ पे कोई डांस सिखाएगा नहीं है। यहाँ पे ये हाई ऑन डांस जो है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मेरा कोई ऐसा बाहर भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर कोई बोलता है मेरा इंस्टीट्यूट है तो वो गलत है, वो प्लीज़ आप रिपोर्ट करना। हाई ऑन डांस इज़ जस्ट for me, my dancers and all the other dancers to come. ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते, ऑफकोर्स आओ आप, अपने अगर किसी और को सीखना है आपके पास खुद के पास वीडियोज़ हैं, टेप्स हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं हर कभी ना कभी। आगे जाके जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि मैं बाहर से बहुत बड़े बड़े डांसर्स बुलाऊँगा, अगर वो यहाँ आते हैं तो वो उनसे भी सीख सकते हैं, तो इस तरीके से सीख सकते हैं, बट देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट एज सच। ऑल्सो सर, जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग भी आके डांस कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई कंपटीशन या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड प्लान्स हैं, अंडरग्राउंड कंपटीशन प्लान्स हैं और बहुत सारे हैं, और अभी शुरुआत है, इसलिए मैं बोला कि अभी शुरुआत है, तो अंडरग्राउंड बैटल होगा, कॉम्पिटिशन होंगे, बाहर से डांसर्स आएंगे, वर्कशॉप्स होगा, एंड यस ऑफकोर्स क्लबिंग होगा। सर, जो स्टूडेंट्स हैं, डांस फ्रीकर्स हैं, ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि कौन से बॉलीवुड के बिग फेसेस देखने को या मिल सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग भी अट्रैक्ट हो और ज्वाइन करें? फिलहाल कोई भी आ सकता है यहाँ पे रिहर्सल करने के लिए, किसी का भी अगर मैं गाना कर रहा हूँ तो कोई भी आ सकता है। फिलहाल कुछ दिन पहले लेट विंस आए थे जो कि वर्ल्ड के बेस्ट हैं, वो यहाँ आके गए, वो लोग ने भी ये जगह देखी है एंड वापस आने का प्रॉमिस किया है, तो वो लोग आएंगे। इंटरनेशनल तो है ही, बट नेशनल भी जो हमारे एक्टर्स हैं वो यू नेवर नो, मैं आता रहता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई आएगा। साथ में भी जो डांसर्स जो हैं वो यहाँ तक आने का क्या प्रोसेस रहेगा उनका, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो गलत फहमी है सब लोगों को हाई ऑन डांस लेके, वो ये है कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही यहाँ पे आके मतलब कुछ सीखने को, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द टैलेंट्स डांसर्स हु कैन कम, क्योंकि मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जगह मैंने बनाई है डांसर्स के लिए, तो अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो उसको मौका मिलेगा एंड ऑफकोर्स काम मिलेगा। एंड ये सिर्फ डांसर्स के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए बनाई है, आके डांस करो, इन्जॉय करो, सीखना है सीखो एंड सिखाना है सिखाओ। सर, स्ट्रीट डांसर आने वाली है, तो क्या यहाँ पे उनका मतलब कोई परफॉर्मेंस या फिर ऐसा कुछ प्रमोशनल स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आप? अगर ऑफकोर्स स्ट्रीट डांसर का जो हमने रैप अप पार्टी रखा था वो यहीं रखा था,
और अभी स्ट्रीट डांसर के प्रमोशन स्टार्ट होंगे, सो अगर मेरी पिक्चर है तो अगर मैं खुद यहाँ नहीं करूँगा तो फिर कहाँ करूँगा, सो ऑफकोर्स स्ट्रीट डांसर की प्रमोशन हो गया। ट्रेलर कब आने वाला है थोड़ा? ट्रेलर 18th दिसंबर को ट्रेलर आने वाला है, एंड यस 12th को आने वाला था, बट क्योंकि बहुत सारे VFX हैं, 3D है, इसलिए हमने पुश किया, 18th दिसंबर को ट्रेलर लॉन्च होगा। ओके रेमो सर, जहाँ बॉलीवुड में डांस की बात होती है वहाँ रेमो डिसूज़ा का नाम नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आप क्या उनको बड़ा देने वाले हैं थ्रू हाई होंडा? मैं ऐसा कुछ बड़ा कुछ देने वाला नहीं हूँ, सो प्लीज़ डोंट दिस थिंग। मैं आपको जगह देने वाला हूँ, आप आइए, जगह की कमी होती है, डांसर्स को एक ही चीज़ चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, म्यूज़िक चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है, ये तीन चीज़ जो है वो मैं देने वाला हूँ, जगह, म्यूज़िक, माहौल, ये तीन चीज़ मैं दूंगा, आप आइए डांस करिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेमो सर ने दिया है स्टूडेंट्स को, आप भी ऑलरेडी कोरियोग्राफर हैं, सो आप किस तरह जुड़े हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाई ऑन डांस ऐसा स्टूडियो जो हमारे कंट्री के डांस के ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर रेमो डिसूज़ा, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है, सो आई थिंक सभी डांसर्स को इन मुंबई, अराउंड द कंट्री, सभी वेलकम है, यहाँ पे आइए, आप डांस कीजिए। स्पेशली डांसर्स और कोरियोग्राफर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाइब, जो हॉल का वाइब होता है, अगर वो सही हो तो डांस भी सही निकलता है, दिल से निकलता है। सो आई थिंक टुडे इज़ माई फर्स्ट डे आई एम रिहर्सिंग एट हाई ऑन डांस स्टूडियो, और मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कोरियोग्राफ करने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है कोरियोग्राफ करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द राइट प्लेस फॉर ऑल द डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स इन मुंबई, एंड बिकॉज मैं यंग हूँ, मैं सभी यूथ से कहना चाहूँगा, इट्स बेटर टू गेट हाई ऑन डांस देन टू गेट ऑन हाई ऑन डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि हम जो नए बच्चे हैं, नए जो बढ़ रहे हैं, कॉलेज में जाते, वो अक्सर बुरी चीज़ों के संगत में बह जाते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, सब छोड़िए, यहाँ पे आइए, डांस कीजिए, दैट्स द फन। राइट, ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे और बहुत सारे डांसर्स यहाँ पे आएंगे, correct. आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस चीज़ को लेके कि सब अच्छे से हो? डांस आज के डेट में बहुत ही बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, सो आई थिंक बहुत सारे एस्पायरिंग डांसर्स हैं हमारे कंट्री में जिनको आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है, सो हाई ऑन डांस वो स्टूडियो है जहाँ पे आप आ सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो, खुद पे मेहनत कर सकते हो और कुछ बन सकते हो। सो यस, इट्स अ रिहर्सल स्पेस, सो यू गाइस कैन कम एंड रिहर्स एंड डू वेल इन लाइफ। राइट, ऑल्सो कुछ गाइड करेंगे जो डांसर्स यहाँ पे आएंगे, अगर उनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो क्या आप वहाँ पे अवेलेबल होंगे उनको गाइड करने के लिए या फिर ऐसा कुछ? अगर नहीं, सो बेसिकली हाई ऑन डांस इज़ अ डांस स्टूडियो, इट्स नॉट अ डांस अकेडमी, सो यहाँ पे आके आप लोग खुद रिहर्सल कर सकते हो, हम खुद आके रिहर्सल्स करते हैं, सो आई थिंक इट बी अ गुड गैदरिंग ऑफ डांसर्स जहाँ पे हम भी कभी कभी आएंगे, हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिल लोगे, सो यस। So any of your coming projects you'd like to share with us? The biggest project right now that I have just finished is Street Dancer, which has 12 to 13 songs that we have choreographed, me and Kruti Mahesh. It is directed by Mr. Remo D'Souza. So yes, we are eagerly waiting and excited to present this film. आपके लिए बनाई है, सभी dancers के लिए बनाई है. So yes, very excited for that. 24 January 2020, Street Dancer. Get high on dance. Thank you so much.